आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बॉर्डर बटालियन और विमेन बटालियन का रिक्रूटमेंट लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है और इससे पहले जो फिजिकल टेस्ट हुआ था और अब जो है रिटन टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स का काफ़ी वक्त से डिमांड था कि रिटन टेस्ट जो है वो किया जाए और अब लद्दाख पुलिस के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके ज़रिए रिक्रूटमेंट्स किया जा रहा है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं नुरबू साहब, जो कि चेयरमैन है लद्दाख पुलिस सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट बोर्ड के। समझ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के इस रिटन टेस्ट को लेकर, किस तरह के इंतजाम किए? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉकसियांग पोस्ट ग्रेजुएटी प्रोग्राम फेयर रजिस्ट्रेशन गोजुक छचैन एडमिशन फेयर फेब्रुवरी चिगनफल लगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल फेचैन चुक शेसिल कनकुनिस स्कूल ऑफ साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस यंग स्कूल ऑफ आर्ट साइंस स्ट्रीम कुलियांग एडमिशन लेन मंग एंड चैन चुक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से चोक्सना शेसिल कनुनी फन के फेयर। देखिए, जैसे आपने कहा ये 2019 का एडवर्टीजमेंट है, यूटी बनने से पहले बॉर्डर और वुमेन बटालियन का एडवर्टीजमेंट हुई थी और 2021 में इनका फिजिकल हुआ था जे एन के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। लेकिन किसी वजूहत की वजह से जो है इनका जो फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें रिटन टेस्ट होनी थी वो हुई नहीं, जिस पे फिर लद्दाख पुलिस की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से जो है हाईएस्ट लेवल पे इनकी इंटरवेंशन हुई और ये प्रोसेस जो है हमें फाइनली जो है जे एन के पुलिस से हमें मिली 31 जनवरी को जी। और कुछ ही दिनों में हम लोग जो है एलजी साहब का, एडीजी साहब का हमारा जोर था कि भाई किसी भी सूरत में जो आप इसको रिटन टेस्ट आपको रिक्रूटमेंट को उसको कम्प्लीट करें। तो आज जो है दोनों सेंटर ले और करगिल दोनों जगह हमारे आज रिटन टेस्ट हो रही है और वुमेन में काफ़ी इसमें कैंडिडेट्स हैं 81 सीट से ले का और 81 करगिल का, तो जिसमें से करीब 800 फीमेल कैंडिडेट्स हैं करगिल से और करीब सेम ही 800 प्लस कुछ ले की फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह बॉर्डर का भी हो रहा है, बॉर्डर बटालियन का, जिसमें करगिल के करीब 100 बच्चे यहाँ पे आज इधर मौजूद हैं रिटन टेस्ट में और ले में भी कुछ तीन के करीब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल में पास हुए थे। तो आज जो है वेदर भी ठीक है, उस हिसाब से बच्चे भी चाहते थे कि एग्ज़ाम हो जल्दी और हमारी भी जोर रही और जो वेंडर था जो ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी उसको हमने दोबारा से इसको एंगेज की और सारा बायोमेट्रिक सिस्टम हर चीज़ यहाँ ठीक चला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की तरफ से और वहाँ ले में भी ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी जो असिस्टेंस हमें मिल रही है, मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौजूद हैं और पैरामिलिट्री फोर्स जो है जो एग्जामिनेटर को एस्कॉर्ट करनी है, जो प्रोटोकॉल है वो सारा इन प्लेस है। सर, ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं और ख़ासकर क्योंकि इस वक्त जो है विंटर के महीने में ये रिटन टेस्ट हो रहा है हालांकि बच्चों के डिमांड पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किया है? देखिए, बेसिकली हम इंडोर में करना चाहते थे लेकिन दोनों जगह ले और करगिल दोनों जगह हमारे पास इस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि इंडोर्स में हम क्लास जो है एग्ज़ाम लें, या तो स्कैटर्ड हैं, जब स्कैटर्ड होती तो फिर एक एलिगेशन लग जाती है कि भाई वहाँ पे निकल चली या नहीं चली, उस टाइप की रहती है। तो सुबह हमने, आप देख सकते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग बच्चे 8-9 बजे आए थे तो बुखार इसका इंतज़ाम था और अभी जो है आप देख सकते हैं धूप भी है ले में भी करगिल में भी, तो उस हिसाब से उतनी सर्दी का तो इशू है नहीं। तो यही था हमारा जस्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू आता है, उस हम क्लासरूम में भी ले सकते थे लेकिन क्लासरूम में भी आप देखें कि बड़ा ही ठंड होती है, उससे अच्छा तो अगर धूप निकले तो बाहर ठीक है, तो उतना ठंड नहीं है, बच्चे भी किसी को लग नहीं रहा हम भी बाहर हैं, तो ऐसा कोई ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आप पूछ नहीं रहे जिसमें इवेल्युएशन में हम लोग किसी को फेवर करें, ये तो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो सही निकला जो गलत होगा वो मशीन रीड करेगा और वही एक ट्रांसपेरेंसी है। और जो फिजिकल, इससे पहले फिजिकल टेस्ट हुई थी उसमें भी सारा आपका जो दौड़ था हर चीज़ जो है मेजरमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हुए थे जिसमें मिनिमम जो है ह्यूमन इंटरवेंशन थी, तो उस इसी को हम ह्यूमन या उसको हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो हर देश के हर जो जिलों में ये लागू होती है, ये प्रोसेस यहाँ ले में काम कर रहे हैं। बॉर्डर बटालियन में कितने सीट्स हैं? बॉर्डर बटालियन में जो है 135 सीट्स हैं करगिल के लिए, 135 ले के लिए। तो जैसे आप जानते हैं ये 2019 का एडवर्टीजमेंट में जे एन के टाइम है, तब जे एन के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फिजिकल रनिंग जो थी उस हिसाब से थी, जो जिसमें जो है दौड़ में थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, 6.5 मीटर में आपको 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होती थी, जो कि हमारे जैसे इलाकों में
थोड़ा कम पड़ जाता है, तो काफ़ी लोग इसमें पास नहीं हुए। वेरस आपने देखा होगा लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट जो हमने की बात में, उसमें हमने उस पर टाइमिंग बढ़ा ली थी, ऑन द पैटर्न ऑफ ITBP का भी थोड़ा 7 मिनट का है, और इवन आर्मी का भी जो है 1600 मीटर में वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं हाई एल्टीट्यूड की वजह से। तो यहाँ पर ये थी नहीं जिनकी के टाइम, तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ मेल्स के जो मेल कैंडिडेट की उसमें उनको थोड़ा दिक्कत होती है 6.5 मिनट में करने, वेरस फीमेल्स में तो उनका मेरे मुझे लगता है उनका ऑलरेडी रिलैक्स टाइप का है उनका जो जो टाइमिंग है, तो इसलिए फीमेल्स काफ़ी क्लियर कर जाते हैं। सर आने वाले समय में लद्दाख पुलिस के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं जी, उनकी तरफ से क्या कुछ और तैयारियां कर रहे हैं रिक्रूटमेंट्स के हवाले से? देखिए एक तो हमारे अभी सब इंस्पेक्टर्स वाला है, सब इंस्पेक्टर्स के पास उसमें हमारे ज़्यादा उसके अपार वैकेंसीज नहीं है, तो बेसिकली क्या था कि अभी तक जो कुछ पोस्ट हमें जिनके से आनी थी कुछ आई थी, फिर वो फाइनली जो हमें पुलिस को अलॉट होके हम RR में होनी थी वो हो चुकी है, तो ज़्यादा पोस्ट नहीं, अराउंड 30 के करीब है जो हम सोचते हैं कि इसको ख़त्म करने के बाद जो है इसका हम दोबारा से जो है टेंडर करके इसमें आपको जैसे मैंने कहा एक कंपनी हमें एंगेज करनी पड़ती है, फिर उसमें टेंडरिंग प्रोसेस लगती है, उसमें टाइम लगता है, वो करके इसी साल में हम लोग जो है अराउंड जून जुलाई में आफ्टर इलेक्शन जो है इसका एडवर्टीजमेंट निकाल के फिर शुरू कर देंगे हम इसका फिजिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसी साल में हो जाएगा मुझे लगता है। थैंक यू सर। जी जी हमारे साथ खासकर वीमेन बटालियन और बॉर्डर बटालियन के हवाले से, रिक्रूटमेंट के हवाले से, रिटर्न टेस्ट के हवाले से यूनियन टेरेटरी लद्दाख के लद्दाख पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन तंजीम नूरबू साहब बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि जिस तरह से लद्दाख के अंदर लद्दाख पुलिस के द्वारा लगातार रिक्रूटमेंट्स किया जा रहा है, और इसी के चलते अब जो रिटर्न टेस्ट हैं वो इस वक्त जो हैं वो किया जा रहा है बॉर्डर बटालियन के और उसके साथ साथ जो वीमेन बटालियन के। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस लाइन करगिल में और लेह दोनों में आज रिक्रूटमेंट्स लगातार जारी है, और रिक्रूटमेंट्स के चलते काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, और इंतजाम के अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को ट्रांसफरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के भी इंतजाम हैं सभी तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और काफ़ी बड़े तादाद में जो जिन स्टूडेंट्स ने जिन कैंडिडेट्स ने खासकर फीमेल और मेल कैंडिडेट्स ने फिज़िकल टेस्ट दिया था जो क्वालिफाई हुए थे, और वो इस वक्त जो है रिटर्न टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़, पल पल के अपडेट्स के लिए और भी अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। मोहम्मद इसाक गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। गुने नमजे नंगा टंगर छे छे छेंजिक मतंगा छु गोजदुम मंगा चालो इन नंगा तंगे गोजदुम डंडे छु कुलचेर जित मगोस यंग छंगमालो छु थोप थोप पन नंतन चोगोस स्क्योदं तलाने गुने नमजे नंगा छु कुलचे से थोगा शंग जोसे दुखते से नथोलेने सोटु तंगजिस इंडो चलक थुचे सिंडो या छु जुकचे सिंडो युर्जा छुन गुन युर्जा छेनमो युर्चे से इन नंग इबो छु नुन कुलचे चिकपेस कोला मानो इबो ngatanga छु थोप चेसे छजि थोगा खाक लेंचे से कोलाइनो इजुक चिसोक छिगे सम्बसल करोसु छंगमे ngatang छंगमे सा रिंचान गुचोला खाक इनकाने समलो तंग नसे लजगुले नंगा थुसाचा दिसते रिपोर्ट चोजा यंग निरांगे किंगसिस गुलांग स्पोस पासल छंगमा लक्सते लास्ट चोजा ngatangे नामला टांगमे नंगांग सिरकाल थेमु न्यामपो छु थोप जुग नेल छिसिनो तालाने गुलना निरांगे टांगमोनिस क्युपचे छिपो मानपा माछा छिसो सिनंगा छु थोप जुग कांजे गुराजा यंग छु गुचे संग छादमे लाबोराजा इतो बोराजा छु टिक्स बारे रे रिंचाने नो देनिस क्योदांग छंगमा लक्सते इबो इतु बोरिन छु सिरकाल देमो कुलचे से खचात जॉइन ई कैप्टक्सपो मिमंग से फंदिफिया जल जीवन मिशन लदागी छोंगने स्पिलते इन।